हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी इज़ लाइफ अ बीट। तो मैं आ गई हूँ ब्रैनफर्ड में फॉर अ चेंज। आज मैंने हाउस लोवर शॉपिंग नहीं किया है, आज मैं ब्रैनफर्ड आई हूँ मॉरिसन्स में। और ये जो मॉरिसन्स है ना, ये ब्रैनफर्ड में पहले से ही था, लेकिन इसको बस उन्होंने थोड़ा नया लुक दिया है, नए जगह पे शिफ्ट किया है, वहीं पे मार्केट प्लेस में शिफ्ट किया है। तो पहले हमें थोड़ा मार्केट प्लेस से आगे जाना पड़ता था, लेकिन एकदम मार्केट प्लेस में ही जहाँ पे न्यू बिल्डिंग्स बन रहे हैं वहीं पर है। तो मैंने आज यहाँ का प्लान बनाया, मैं यहाँ पे आई। और मॉरिसन्स में आके ना मुझे अपने बहुत सारे पुराने जो यादें हैं वो काफ़ी कुछ मेरे सामने आ गया था, क्योंकि हम लोग ना ब्रैनफर्ड में कुछ 5-6 ईयर्स रहे थे, और यहाँ पे ब्रैनफर्ड से रिलेटेड काफ़ी सारे मेमोरीज़ हैं और मॉरिसन से रिलेटेड भी काफ़ी सारे मेमोरीज़ हैं, क्योंकि ब्रैनफर्ड में ये एक ही सुपरमार्केट है सबसे बड़ा, और हम लोग सिर्फ यहीं पे शॉपिंग करते थे। जैसे हाउसों में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएं, यहाँ पे नहीं मिलता था ब्रैनफर्ड में। तो चलिए फिर आ गई हूँ मैं मॉरिसन के अंदर, और देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे फूड आइटम्स भी लगे हुए हैं इसमें, जैसे टेक अवे है ये सब चीज़, आपको सैलेड और बहुत सारे लंच ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे। और मैं देखा कि उन्होंने ना वो खाने के लिए जो ईटिंग वाला भी ऑप्शन रखा हुआ है यहाँ पे, जो कैफेटेरिया के जैसा, तो मैं तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन वो सब चीज़ें थे वहाँ पे। और मॉरिसन्स जो है ना, टेस्को से थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा सा हायर साइड है। अगर आप ये सर्वर के थ्रू जाओगे तो सबसे एक्सपेंसिव तो वेटरस्ट होता है, वेटरोज है, और उससे पहले आता है ये मॉरिसन्स। क्योंकि मॉरिसन्स हो या फिर वेटरस हो, ये दोनों भी सुपरमार्केट एक प्रॉपर ब्रिटिश सुपरमार्केट है, तो इनके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना सीधा फार्म से आते हैं, इसलिए वो इतना एक्सपेंसिव होता है। तो टेस्को में, टेस्को भी एक ब्रिटिश सुपरमार्केट ही है, लेकिन यू नो इन लोग के पास जैसे सेंसबरीज, मॉरिसन्स और वेटूज, इन लोग के पास आपको सबसे ज़्यादा ना ब्रिटिश रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही सबसे ज़्यादा दिखते हैं। तो फिर देखिए मैं आगे ना एशियन वाले एरिया में, वहाँ पे देखा मैंने कि आशीर्वाद वाला आटा भी है, तो उसका प्राइस मुझे काफ़ी सिमिलर लगा जो आपको क्वालिटी फूड्स में मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मसाले आपको मिल जाएंगे, एक 1 पाउंड के अंदर ही है। लेकिन कभी कभी ना अगर आप रेगुलर फ्रिक्वेंटली अगर आप मॉरिसन्स में शॉपिंग करते हो, तो शायद आपको ये पता होगा कि जब ये क्रिसमस या फिर दिवाली का जो टाइम आएगा ना, और रमज़ान का जो टाइम आता है, इस टाइम पे ये लोग बहुत सारे प्राइसेस कम कर देते हैं। तो डेफिनेटली उस टाइम पे आप लोग मॉरिसन ज़रूर जाइए, आपको सब चीज़ बहुत कम में मिलेगा। और देखिए यहाँ पे ऑयल का भी प्राइस, यहाँ पे KTC का 8.49 में 5 लीटर मिल रहा है, तो काफ़ी सही लगा मुझे वो प्राइस। यहाँ पे आपको मॉरिसन के खुद का ब्रांड भी मिलेगा। और देखिए यहाँ पे एक दूसरा ब्रांड है, पूरा रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल है, ये रिफाइंड है, इट्स नॉट अ प्योर सनफ्लावर ऑयल, तो वो 8 पाउंड्स का है। लेकिन अगर आपके पास मोर कार्ड है, अब ये मोर कार्ड क्या होता है, मोर कार्ड जो है इनका ही मेंबरशिप कार्ड है, या लॉयल्टी कार्ड आप बोलिए, तो अगर आप वो लेंगे, एक्चुअली लेंगे कि आपको लेना ही चाहिए, अगर आप कोई भी सुपरमार्केट में जाओ उनका मेंबरशिप कार्ड जो होता है ना, ज़रूर लीजिए, उससे ना आपको काफ़ी सारा डिस्काउंट भी मिलता है। और जहाँ तक मुझे याद है मॉरिसन्स में ना क्या होता है कि जैसे इनका एक पॉइंट कवर हो जाता है ना, बैलेंस कवर हो जाता है, तो बाद में आपको 5 पाउंड्स का वाउचर भी मिलता है। और वो सब जब ऐसे इस टाइप के कुछ आपको इन रिटर्न मिलता है ना बेनिफिट्स, तो बहुत सही लगता है वो सब चीज़। तो हाँ, मोर कार्ड आप लोग ज़रूर लें। फिर मैं आ गई है चिकन और नॉनवेज के सेक्शन में, मैंने देखा कि 500 ग्राम का जो ड्रमस्टिक चिकन या फिर विंग्स वाला जो चिकन है वो सिर्फ 1 पाउंड में मिल रहा है। मतलब ये तो एल्डी से भी चीप हो गया है एकदम, सिर्फ 1 पाउंड में आपको 500 ग्राम का चिकन, दैट वाज रियली अमेजिंग। तो मैंने फिलहाल शॉक में आके, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ, मैंने वहाँ पे रख दिया। वहाँ पे बगल में एक सिक्योरिटी ऑफिसर था, मैंने उससे भी कंफर्म किया कि सच में 1 पाउंड है, उसने कहा हाँ ये 1 पाउंड ही है, और फिर मैंने जाते टाइम मैंने वो भी ले लिया था। तो फिलहाल मैं अभी के लिए तो वहाँ छोड़ दी, और मैं सोचा कि मैं बाकी जो भी शॉपिंग है वो देख लूँगी। फिर देखिए यहाँ पे इन लोगों के चीज़ के सेक्शन में आपको पनीर भी मिल जाएगा, छोटा पैक भी है, बड़ा पैक भी है। फिर मैं आगे बेकरी सेक्शन, मॉरिसन्स में आके इनका बेकरी सेक्शन तो मिस ही नहीं कर सकते। इनका बेकरी सेक्शन बहुत यम्मी रहता है, बहुत डिलीशियस रहता है, इतने वराइटीज़ मिल जाएंगे आपको। हाँ डेफिनेटली थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है, अगर आप देखिए मैं अगर बैठ के यहाँ पे एल्डी से कंपेयर करूँगी ना, तब तो फिर बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, एल्डी और लिडल एक जर्मन सुपरमार्केट है, और मॉरिसन्स ये सब जो होते हैं ब्रिटिश सुपरमार्केट होते हैं, तो इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है यहाँ पे, है ना। तो मतलब काफ़ी अंतर रहेगा इन लोगों के प्राइस में।
लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा अगर हम लोग खरीद लें तो इट्स नॉट बैड, इट्स ओके. आई मीन द क्वालिटी डिफरेंट डिफरेंट, कुछ चीज़ें यहाँ पे मिलते हैं, कुछ चीज़ें वहाँ नहीं मिलते, तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस आ ही जाता है. तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक छोटा सा एक केक का पैक है, मैंने वो लिया, मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा, कलरफुल लगा, तो मैंने वो ले लिया. देखिए ये वाला आफ्टरनून टी करके था, तो मैंने वो लिया. फिर मैं आ गई सीधा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सेक्शन में. देखिए यहाँ पे रेसबेरीज़ का प्राइस, देखिए रेसबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, इन सब का प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा मुझे कुछ प्राइस डिफरेंस नहीं लगा. और मॉरिसन्स में इनका जो फ्रूट का क्वालिटी ना बहुत अच्छा रहता है. तो देखिए पोमोग्रेनेट अनार, उसका प्राइस ना एल्डी में अगर आप जाओगे तो 95p में मिलेगा, यहाँ पे आपको 1 pound में मिल रहा है. और फिर मैंने देखा कि फिक्स का प्राइस यहाँ पे मुझे ठीक ही लगा, अगर मैं एल्डी से कंपेयर करूँ तो काफ़ी ठीक लगा 35p. तो मैंने दो ले लिया, काफ़ी फ्रेश भी था और ये सीजनल फ्रूट है, और जो सीजनल फ्रूट है तो उनको तो खाना ही चाहिए, तो मैंने वो ले लिया दो. फिर मैंने देखा कि यहाँ पे स्पिनेच, लेट्यूस, इन सब के प्राइस भी काफ़ी हाई था. स्पिनेच का एक पूरा बंच का जो पैक होता है कुछ 2.25 में था बड़ा वाला, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा एक्सपेंसिव है. और बाकी जो भी वेजिटेबल्स है ज़्यादातर उन सब के प्राइस 1 pound के करीब ही था या 1 pound से ऊपर भी था, तो उस हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसिव है. देखिए आगे फ्रूट्स के सेक्शन में, और यहाँ पे पैक ना ये पेपर वाले रखे हुए थे कि हम लोग चाहे तो इसमें से ना फ्रूट्स या वेजिटेबल्स उसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये सिर्फ अपने घर के लिए ले लिया क्योंकि ये बहुत यूज़फुल आते हैं पेपर बैग्स, हम घर में भी आप कुछ स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हो, वो काफ़ी फ्रेश रहता है एंड दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए मैंने 5-6 मैंने भी ले लिया. फिर मैंने यहाँ देखे फ्रूट्स, यहाँ पे बहुत कई तरह के फ्रूट्स दिख रहे थे. और लेमन्स देखिए, ऑर्गेनिक लेमन का प्राइस काफ़ी ज़्यादा है 1.79. फिर मैंने इजी पीलर्स लिए जो 1 pound में ही था, तो दैट वाज क्वाइट ओके. लाइक आप एल्डी लिटिल में जाओ तो वही कुछ 90p या 99p में मिलेगा, तो यहाँ पे 1 pound में मिल रहा था और वो काफ़ी क्वालिटी अच्छा लग रहा था, फ्रेश था, तो मैंने वो लिया. फिर मैं देखा एप्पल्स, ये वाला एप्पल्स तो मैंने कभी नहीं देखा, इसको रस्ट एप्पल बोलते हैं, और काफ़ी यूनिक चीज़ लगा मुझे. फिर मैंने ना इनका वोंकी एप्पल्स लिया, जो इसका प्राइस कुछ आई थिंक अराउंड 1 pound ही था, तो मैंने ये वाले एप्पल्स ले लिए. तो एक्चुअली 95p का था ये एप्पल, तो मैंने वो वाला ले लिया. फिर देखिए गोभी का प्राइस, ब्रोकली का प्राइस, सब कैबेज, ये सब 80p, गोभी तो 1 pound का था, तो हाँ थोड़ा डिफरेंस है. जैसे बेबी कॉर्न देखिए 1.39 में है यहाँ पे, तो ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव था. एल्डी में मैंने लास्ट जो लिया था शायद लास्ट हफ्ते, वो कुछ 69p में ही था, तो देखिए कितना बहुत डिफरेंस है उसमें. देखिए कॉजेट्स जो है यहाँ पे, ये भी एक्सपेंसिव है, आपको सिर्फ दो ही पैक मिल रहा है 1.39 में. इनफैक्ट मैं तो बोलूँ वेट्रो से भी एक्सपेंसिव था ये कॉजेट्स यहाँ पे. तो मुझे यूजुअली मुझे सबके प्राइस बहुत अच्छे से याद रहते हैं क्योंकि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली मैं ही जाती हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे अच्छे से याद रहता है, तो मैं बता सकती हूँ कि कौन सा जो एक्सपेंसिव है. तो फिर यहाँ पे इनके सेक्शन में ना कभी कभी इनका बस मेथी भी था, इस बार तो मुझे मेथी दिखा नहीं, लेकिन पहले जब हम शॉपिंग करते थे इनके मेथी भी रखते थे, और बाकी सब आपको ग्रीन चिली, कोरिएंडर, पुदीना सब मिल जाएगा. ये ग्रीन चिली का प्राइस यहाँ पे 1 pound है, तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव. ये काफ़ी फ्रेश दिख भी रहा था, लेकिन 1 pound बहुत एक्सपेंसिव लगा. जहाँ हाउसों में हम लोग 70-80p देते हैं, वहाँ ये 1 pound का था. तो फिर मैंने थोड़ा सा जिंजर लिया, जो लूज़ वाला होता है ना, वो मैंने लिया, और बाकी तो मैंने कुछ लिया नहीं यहाँ पे, बस जिंजर का छोटा सा एक पैक ले लिया, तो काफ़ी फ्रेश लग रहे थे छोटे वाले जिंजर, तो मैंने वो ले लिया. फिर देखिए आगे हम लोग जाके ना यहाँ पे आलू, प्याज और टमाटर का भी हम लोग देखेंगे. और बस यहाँ पे मुझे जाते टाइम ना ओकरा भी दिखा, ये ओकरा का जो प्राइस है ना, ये काफ़ी सिमिलर ही है, टेस्को में भी ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस ही रहता है, तो ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं था. ओकरा तो भिंडी जो है एक्सोटिक वेजिटेबल में आता है, तो वो तो कहीं भी कॉस्टली ही रहेगा.
ये देखिए ब्रिटिश वाइट पोटैटोस का मैं प्राइस यहाँ पे ढूंढ रही थी, तो वो 2.5 केजी था या 2 केजी, जो आपको 1.29 में मिल रहा था यहाँ पे 2 केजी। यस, तो दैट वाज स्लाइटली एक्सपेंसिव। ऑनियंस और टमाटो का प्राइस तो एकदम सेम है, 95p। एक टाइम था जस्ट लाइक यू नो लाइक 5 ईयर्स पहले, या फिर आप मैं बोलूँ या 3 ईयर्स पहले भी ना, ऑनियंस का प्राइस काफ़ी कम था, 60-70p में ही मिलता था। आप देखो इतना कॉस्टली हो चुका है। फिर टोमेटोज़ भी मैंने एक पैक लिया, एक्चुअली मैंने ये वाला नहीं बड़ा पैक लिया मैंने, जो कुछ कितना आता है शायद उसमें 7-8 कुछ आते हैं पैक उसमें पूरा, ये सैलेड वाला मैंने ये ले लिया। फिर देखिए यहाँ पे ना इन लोगों का टेक अवे भी रहता है, यूजली सभी सुपरमार्केट में रहते हैं और हर एक सुपरमार्केट का अपना खुद का क्वालिटी रहता है, तो वो अच्छा ही रहता है। इस पर क्वालिटी में कोई भी सुपरमार्केट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, तो वो सब भी बहुत अच्छे रहते हैं टेक अवे। फिर मैं ये आगे ना जो बेकरी वाला जो कुकिंग सेक्शन होता है, मैं वहाँ आ गया। अब मैं देखा कि चीनी और एग्स का प्राइस, चीनी का प्राइस मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लगा। फिर मैंने देखा कि एग का प्राइस यहाँ पे जो सबसे सबसे कम जो सेवर्स वाला जो पैक होता है वो सिर्फ 78p में आपको 6 अंडे मिल रहे हैं, उससे ऊपर जाएंगे तो आपको 1.50 में मिलेगा। तो काफ़ी कम लगा मुझे, अगर मैं टेस्को से कंपेयर करूँ ना तो ये इनका प्राइस, डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस हैं इनके पास तो काफ़ी कम है मतलब, तो इट इज़ क्वाइट गुड। फिर यहाँ पे मैं देखा कि सेल्फ रेजिंग फ्लावर, ये मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ, तो इसका प्राइस खुद का मॉरिजन्स का ब्रांड जो है आपको वो 79p में मिल रहा है, मतलब इट्स वेरी वेरी लो। इनफैक्ट लिडल या एल्डी में तो 1 पाउंड के ऊपर ही रहता थी, हमें काफ़ी कम था। हालांकि आप थोड़ा ब्रांडेड वाले में जाओगे तो वो एक्सपेंसिव है। फिर मेरे पास टी लीव्स ख़त्म हो गया था, तो मैंने ये वाला पैक लिया है एवरीडे टी लीव्स, ये कुछ 75p का ही था, तो मुझे छोटा पैक चाहिए था तो मैंने छोटा पैक लिया। इसमें बड़ा पैक भी अवेलेबल है, तो आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए तो स्ट्रॉन्ग भी अवेलेबल है। इंग्लिश जो ब्रेकफास्ट टी होता है ट्वाइंग्स का, वो भी अवेलेबल था। हम लोग वो वाला प्रेफर नहीं करते क्योंकि वो बहुत लाइट रहता है और हम लोग को स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो मैंने वो वाला एवरीडे मॉरिजन्स वाला जो होता है ना वो वाला लिया मैंने। फिर मैं ऐसे जाते जाते मैंने देखा कि कॉफ़ी का ये जो जार होता है कितना सुंदर है, इसका प्रिंट बहुत एक्सपेंसिव है एक्चुअली, वो 7 पाउंड्स है, लेकिन मैंने वो अभी लिया तो नहीं, लेकिन उसका जार मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर देखिए मॉरिसन्स का खुद का ब्रांड भी काफ़ी कम में था। फिर मैं ये आ गई स्पाइसेस और चटनी के सेक्शन में, यहाँ पे ना मॉरिसन्स का खुद का ब्रांड है सब कुछ, जैसे ये वेरी लेजी करके तो ये दूसरा ब्रांड होता है, ये उसका प्राइस अलग है। मॉरिसन्स का खुद का ब्रांड आपको मिलेगा, देखिए टैमरिन मिल रहा है आपको, पेस्ट टैमरिन पेस्ट मिल रहा है आपको, लेमन ग्रास का पेस्ट मिल जाएगा, जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, सब कुछ अवेलेबल है। तो देखिए ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, मतलब ये सिर्फ उन लोगों के लिए काम आएगा जिनको बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आता है, या फिर जो यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट स्टे के लिए रह रहे हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। अदरवाइज़ अगर हम लोग डेली वो यूज़ करेंगे ना तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। फिर देखिए इनका बिस्किट्स एंड कुकीज़ का सेक्शन भी बहुत सही रहता है, और हम लोग बहुत बार मॉरिसन्स के बिस्किट्स खरीदे हैं, काफ़ी अच्छा रहता है क्वालिटी वाइज, तो उसमें तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, बहुत सही लगता है वो सब। और ये एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, इसको बोलते हैं क्रैम्पट्स, अगर आप लोगों ने किसी ने ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपने इंडिया में उत्तपम खाया है तो सिमिलर आपको उसी का फील मिल जाएगा, बस आप इसको गर्म कर लो थोड़ा सा घी या बटर डाल के, या कुछ और आप चटनी के साथ भी खा सकते हो, सांभर के साथ भी खा सकते हो, बहुत यम्मी रहता है वो। तो देखिए उसका प्राइस है कितना कम है, 45p 55p इसमें ही है, तो दैट इज़ क्वाइट रीजनेबल। ये बच्चों को भी लंच बॉक्स में दिया जा सकता है तो बहुत अच्छा है। और मैंने जितने ब्रेड के ऑप्शन और बेकरी के आइटम्स जो मैंने लंदन में देखा है ना, मैंने तो पता नहीं, मैंने इंडिया में तो कभी नहीं देखा ये सब चीज़ें, हमें बहुत वैरायटी आपको मिल जाएगा। तो देखिए एक साइड में सीरियल के भी बहुत सारे ऑप्शन थे, ब्रेड के भी बहुत सारे ऑप्शन थे, फिर ये थोड़ा सा एक स्नैक वाला ऑप्शन था, केक जहाँ पे मिलता है, तो ये वाला एक केक होता है एंजल केक स्लाइसेस, ये मैं हमेशा लेती हूँ, या मैं इनका एक होता है किपलिंग ब्रांड, ठीक है, आई एम श्योर इट्स किपलिंग ओनली, और दूसरा होता है ये सुपरमार्केट का खुद का ब्रांड,
तो अगर मैं कहूँ तो मुझे सुपरमार्केट के खुद का ब्रांड मुझे बहुत अच्छा लगता है वो टेस्ट, तो मैंने वो एक पैक ले लिया। तो देखिए योगर्ट के सेक्शन में कितने अमेजिंग इन लोगों के फ्लेवर्स थे सब। मैंने कुछ लिया नहीं क्योंकि मुझे वो सब कैरी करने में मुश्किल हो जाता था। फिर अल्कोहल का भी इतना बड़ा आयल था, मतलब लोगों को मज़ा ही आ जाए। फिर मिल्क का सेक्शन मैंने बस प्राइस देखने के लिए मैं गई थी, तो होल मिल्क का प्राइस भी ना यहाँ पे 1.45 है, मतलब दे आर फॉलोइंग द सेम रूल। तो एल्डी में जाओ या फिर आप टेस्को में जाओ तो सब जगह 1.45 ही है, तो इन लोगों के पास भी उतना ही है। तो देखिए पेयर्स का साबुन मैं यहाँ पे सिर्फ 59p में मिल रहा था, तो मैंने दो ले लिया। मुझे पेयर्स बहुत कम देखने को मिलता है तो मैंने ये दो ले लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो साबुन, तो बस वो लिया। और बस ज़्यादा कुछ मेरा शॉपिंग आज मैंने नहीं किया, बस यहाँ पे यहाँ तक ही था। और फिर हम लोग बस ऐसे ही घूमते हुए मैं फ्रोज़न सेक्शन में आ गई। इनके फ्रोज़न सेक्शन में भी आपको सब कुछ अवेलेबल है, नॉन वेज, वेजिटेरियन, स्नैक आइटम्स, सब कुछ। टॉयलेटरीज भी अवेलेबल है, किचन वेयर में भी सब कुछ अवेलेबल है इनके खुद के ब्रांड का नटमेग, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है तो मैं ज़्यादा प्रिफर नहीं करती हूँ। बस ऐसे ही देखते हुए चली गई। फिर बगल में ही इन्होंने हैलोवीन का भी सब कुछ लगाया हुआ था, और इनके हैलोवीन के भी कितने अच्छे अच्छे आए हुए थे। अगर आप लोगों को हैलोवीन के कोई चीज़ ख़रीदना है ना, तो मैं आपको एक टिप देती हूँ। जब हैलोवीन एकदम पास में आने लगता है ना, तो इन लोग क्या करते हैं ना, सबके प्राइस एकदम हाफ प्राइस पे कर देते हैं, तो उस टाइम आप लोग ज़रूर लेना, शायद आपको कुछ चीज़ें कम में भी मिल जाए। देखिए स्पाइडरमैन का भी कॉस्ट्यूम था यहाँ पे, फिर स्टेशनरी था, बच्चों के टॉयज़ थे, और उसी एरिया में इन्होंने बेबीज़ के प्रोडक्ट्स भी रखे हुए थे, काफ़ी सारे शैम्पू, साबुन, खाने के आइटम, और बच्चों के क्लोथ्स भी। कितने इनके जो नटमेग ब्रांड में बहुत सही रहता है, सॉफ्ट रहता है बहुत, मैंने अपने बेटे को पहनाया हुआ है। तो फाइनली ना वो सब होने के बाद मैंने क्या किया, जो चिकन 1 pound का था वो मैं अभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाई थी कि वो इतना कम है, बट डेफिनेटली मॉरिसन्स का ब्रांड है तो क्वालिटी तो अच्छा ही होगा, दे हैव जस्ट केप्ट इट ऑन ऑफर। तो मैंने वो जाके दो पैक ले लिया है, अभी तो नहीं बनाऊंगी लेकिन जाके फ्रीज कर दूंगी। उसके बाद बिलिंग जाने से पहले मैंने देखा कि यहाँ पे छोटे छोटे फिश भी थे, प्रॉन्स था, लॉबस्टर था, सब कुछ ऑफर पे था। इट्स लाइक 3 for 10 pounds का ऑफर था, तो काफ़ी रीजनेबल ऑफर है वो। ये छोटे वाले फिशेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। मुझे मन तो कर रहा था लेने का लेकिन मैंने नहीं लिया, सो बस वहीं मैंने वीडियो पे कैच कर लिया। और फिर नैंडोस के भी सॉस अवेलेबल है काफ़ी रीजनेबल प्राइस में। अगर आप लोग नैंडोस में कभी खाए हो तो आपको पता है इनका सॉस काफ़ी फेमस होता है। तो फिर लास्ट में मैंने क्या किया ना, फिर से मैं एशियन वाले आइल में चली गई, और वहाँ पे मुझे याद आया कि मुझे तूर दाल लेना था, तो मैंने ये तूर या अरहर दाल जो बोलते हैं ना, ये यहाँ पे येलो स्प्लिट पीस करके लिखा हुआ था, तो मैंने एक पैक ले लिया। थोड़ा एक्सपेंसिव लगा मुझे वो, लेकिन तब भी मैंने ले लिया क्योंकि मुझे ज़रूरत था। तो फिर हो गया मेरा शॉपिंग और मेरा बिल हुआ देखिए इतना 14.62, और जिंजर और वो सब चीज़ मैंने ले लिया जो जो मैंने आपको दिखाया था ना वीडियो में। तो ओवरऑल मॉरिसन्स का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, बहुत खुशी भी हो रहा था कि इतने सालों के बाद मैं मॉरिसन्स में आके शॉपिंग कर रही थी। तो मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, एंड मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर आप मुझे बताइए कि मैं नेक्स्ट और कौन से सुपरमार्केट का वीडियो आप लोगों के सामने लेके आऊँ। तो चलिए मैं एंड करती हूँ अपना व्लॉग यहीं पर। Please do like and subscribe to my channel, it means a lot to me, and see you all soon in another video. Till then, take care and goodbye.